दोस्तों ये है TVS विक्टर और 3 बल्ब वाली बाइक है। इस बाइक का मुझे टाइमिंग चेन चेंज करना है, तो सोचा कि इसके बारे में तो कुछ जानकारी दे दूं कि इसकी टाइमिंग किस तरीके से सेट की जाती है। तो टाइमिंग तो हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा कि टाइमिंग जो सेट होता है दोस्तों, वो क्रैंक से लेकर, क्रैंक की जो चाबी होती है इस चाबी से लेकर आगे की जो या हेड पे जो कैम शाफ्ट होगी, इसे देखकर टाइमिंग मिलाया जाता है। और इस क्रैंक को देखना होगा। तो इसकी जो चाबी है ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल हो, कोई भी स्कूटी हो, जो भी होती है, इसका जो चाबी का निशान होता है ये ऊपर लेवल पे होता है। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हमें मैग्नेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और बाकी हेड पे जो कैम शाफ्ट की जो हम टाइमिंग सेट करेंगे, हमें ये देखना होगा कि इसकी जो प्ले है, अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल टॉप पे है ये, इसका प्ले आपको ये देखना है कि कहाँ से ये सेट हो रही है। अगर हम इस दोनों बोल्ट को हम अगर इस तरीके से नीचे करना चाहेंगे, इस बोल्ट को नीचे करना चाहेंगे तो ये नहीं होती है, इस जगह से नीचे करेंगे तो भारी लगेगी, क्योंकि ये वहाँ से इसका जो रोकर है वो दबने लगता है। अब टाइमिंग जो मिलती है दोस्तों, ये इसके बीच में मिलेगी। अगर हम इधर दबाएँगे, लेफ़्ट साइड दबाएँगे, तो फिर ये नीचे की ओर यहाँ पर फिर अटक जाती है। तो आपको ये देखना है कि दोनों इस आगे पीछे करने पर हमें सेंटर कहाँ पे मिल रहा है, बीच में जो ज़्यादा गैपिंग है वो कहाँ मिलती है। तो ज़्यादा गैपिंग जो मिल रहा है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह। यहाँ से अगर आगे की ओर हम भगाएंगे तो आगे की ओर चली जाएगी, और यहाँ से लेकर फिर इधर भगाएंगे तो इधर भी चली जाएगी। तो इससे पता ये चलता है कि इसकी जो टाइमिंग होगी कैम शाफ्ट की, ये यहाँ पर होगी, इसकी टाइमिंग यहाँ पे होगी। अगर आप सोचेंगे कि ये दोनों बोल्ट बराबर होना चाहिए इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगी और बाल टेढ़ा कर देगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर इस पॉकेट को अगर देखा जाए, तो इस पॉकेट में जो है ये बिंदा का निशान ये ऊपर होगा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये टाइमिंग का निशान है, ये बिंदा का निशान ऊपर होगा, और ये जो कट वाला है ये बिल्कुल बराबर होगा इस तरीके से। और जब हम इस पॉकेट को हम इस तरीके से लगाएंगे, इस बिंदी के निशान को हम ऊपर अगर लगाएंगे, तो इसका बोल्ट देख सकते हैं कुछ यहाँ आएगी, ये देखिए इसका जो बोल्ट है, इस दोनों में बोल्ट लगेगी, इस दोनों में, और यहाँ पे जो लगता है एक बूश लगता है इसके ऊपर। चलो मैं ये करके आपको दिखाता हूँ टाइमिंग किस तरीके से सेट करना है, आगे करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि टाइमिंग इसका ये इस तरीके से सेट होगी, ये दोनों कट वाला निशान बराबर पर रहेगा और ये बिंदा का निशान ये ऊपर रहेगा। अब अंदर की जो कैम शाफ्ट है, इसका जो सुराग है, देखिए दोनों बोल्ट जो हम टाइट करेंगे ये यहाँ पे टाइट होगी। अगर हम इस बोल्ट को देखते हैं, जिस तरीके से होता है ना कि हीरो की 160 बाइक स्प्लेंडर पैसन हो गई, तो उसमें क्या होता है कि बराबर बोल्ट रहता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग सेट करना है। उसके बाद ये सेट करने के बाद फिर आपको ये टैपिट भी देखना है कि टैपिट लूज है या नहीं है। टैपिट लूज रहना चाहिए, बहुत ही कम, एक सेविंग बुलेट के बराबर लूज होना चाहिए। इसके ऊपर एक ये बूश लगाया गया है, ये बूश एक तरफ से ये बैलेंस का काम करता है। और साथ में ये पत्ती, ये TVS कंपनी वाले हर बाइक में ये पत्ती देते हैं, चाहे चेन स्पॉकेट रहे या फिर इंजन का टाइमिंग चेन स्पॉकेट रहे। तो इस तरीके से मैंने टाइमिंग सेट कर दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।